तो कहीं नहीं फंसा हुआ। सबकी नीयत यही है कि समय पे चुनाव हो, और लास्ट ईयर या फरवरी में होने थे तो 1.5 साल हो गए। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं भी हैं, काम भी ठप हो जाते हैं क्योंकि बिना अपने उम्मीदवारों के, चुने हुए उम्मीदवारों के, गांव में काम भी नहीं हो पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि शायद ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही, अब 1-1.5 महीने में सारा काम पूर्ण हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और आज दोपहर बाद 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी। उस पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है उस पर मुनस्सर करता है। तो जैसे ही राज्य सरकार से मुझे वार्ड वाइज रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाएगी तो राज्य चुनाव आयोग उसका चुनाव के शेड्यूल का की घोषणा कर देगा। सर मान के चले यदि कुछ आने वाले दिनों में सरकार इस पर डिसीजन ले लेती है विद इन 1 वीक, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जिस आपके डिक्लेयर करने के बाद में कब तक डिक्लेयर होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का कब तक इलेक्शन जा सकता है? अमूमन ये होता है कि जिस दिन हम चुनाव की घोषणा करते हैं विधिवत रूप से, उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, और उसके अगले दिन उपायुक्त महोदय, जो सभी हैं, सभी जिलों के, 22 जिलों के, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होते हैं, तो वो फिर चुनाव के नोटिस निकालते हैं। और उसके बाद फिर कुछ कुछ दिनों के वक्फे के बाद कुछ उसमें संडे और गेजेटेड हॉलीडेज निकाल देते हैं, तो नॉमिनेशन का कुछ समय रहता है, फिर स्क्रूटनी का समय होता है, और फिर फाइनल विड्रॉल के बाद सिंबल अलॉटमेंट का समय होता है। तो इस सारी प्रक्रिया में वैसे तो एक चुनाव में 25 दिन कम से कम लगते हैं, लेकिन चारों पोस्टों के लिए एक दिन चुनाव होना संभव नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत समिति और जो जिला परिषद है उनके सदस्यों का चुनाव एक दिन हो जाए, और फिर 2-3 दिन का गैप डाल के फिर पंचों सरपंचों का चुनाव हो जाए। तो इस बीच में कई सारी छुट्टियां भी बीच में सितंबर में एंड में हैं, वो सारा देखते हुए लगभग 1 महीने के समय में घोषणा के बाद चुनाव पूरा हो जाएगा। कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की बाकी सब तैयारियां जो चुनाव से पूर्व हो सकती हैं वो सब हैं। ईवीएम्स हमारे पास सफिशियंट मात्रा में है, 76,000 ईवीएम राज्य स्तर पे हमारे पास है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 45-40 हज़ार की है। सबकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL के इंजीनियर्स के थ्रू। चुनाव सामग्री और जो चाहिए होती है वो सब दे दी गई है, या बजट दे दिया गया DCs को। और बाकी जो सरपंचों के बैलेट पेपर ऑलरेडी प्रिंट करके ब्लैंक DCs को भिजवा दिए हैं, जितनी जहाँ पे पंचायत है उसके हिसाब से, उसमें वो हाथ से नाम लिखने होते हैं बैलेट, वो तो चुनाव चिन्ह तो ऑलरेडी उस पर होते हैं। और पंचों का काम जो है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि पंचों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 6200 के करीब ग्राम पंचायत हैं, हर एक में 7 से लेके 20 तक है। तो वो तो जब विड्रॉल के बाद ही बैलेट पेपर उनका छपना है, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस से उनका चुनाव हो रहा है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी हमारी तैयारी पूरी है। सर, जिस तरह से लगातार तैयारियां आप लोग भी कह रहे हैं चल रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, BCA का मसला जो था रिजर्वेशन को लेकर, कब तक माने जाए टेंटेटिव कोई डेट, अक्टूबर में या सितंबर लास्ट में कुछ इस तरह का? डेट तो देखो दे पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ दूसरे पर डिपेंडेंट करती है। तो मैं तो राज्य सरकार से वार्ड वाइज रिजर्वेशन की वेट कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास होगी तो उसके बाद चुनाव प्रक्रिया हम शुरू कर सर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, पेज कहाँ फंसा हुआ है जिस तरह से लगातार, मतलब देरी के बाद एक देरी होती जा रही है सर? नहीं।